नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ पर। जी हां, आज है शनिवार और हर शनिवार हम कोशिश करते हैं आपको कोरबा जिले से कुछ ऐसे लोगों को मिला सकें जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में समाज के कुछ ऐसे लोगों को भी उजागर करते हैं जो कि हमारे समाज को चलाने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं, हालांकि कभी कभी वो हमारे समाज से ओझल भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है कही अनकही बातें। जी हाँ, हमारे बीच आज मौजूद है कोरबा के एक जाने माने समाज सेवक और आविष्कारक श्री संजय रमानी जी। सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे शो में। थैंक यू अभिषेक। सर, इस लॉकडाउन जैसा कि गुजरा है, सबको पता है कितने ज़्यादा टफ फेज से गुजरा है, और आपने जो इतने कोरबा के लोगों की मदद की है उसके बारे में सर मैं छोटा सा आपसे कुछ किस्सा जानना चाहूँगा। सर अभिषेक, देखो, मदद कोई नहीं करता, मदद ऊपर वाला करवा लेता है। जी जी। अगर उसने लिखा है आपकी मदद करना तो किसी किसी थ्रू करा देगा, बस एक जरिया हम बन जाते हैं या किसी के थ्रू भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हाल ही में सर आप लोगों की एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही थी, वो 2020 की बात थी जब एक बच्ची का कुछ ऐसा हो गया था अपने फादर के साथ, केक वेक वाला कुछ सीन हो गया था। सर, वो क्या था, मैं आपसे जानता हूँ। अभिषेक, ऐसा था, दोपहर के टाइम लोग खाना बांट रहे थे तो शायद रेलवे क्रॉसिंग की जगह पुलिस वालों की ड्यूटी थी। जी जी। और वहाँ पे एक अंकल थे जिनकी बेटी का शायद बर्थडे था। अच्छा अच्छा। और वो केक लेने आने के लिए थोड़ा सा परेशान थे क्योंकि शॉप पूरी बंद थी। तो मैंने उनसे पूछा अंकल क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि केक की रिक्वायरमेंट है और मेरी बच्ची का बर्थडे है। तो वहाँ पे जो पुलिस कर्मी वहाँ पे अवेलेबल थे, मैंने उनसे बात की कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने भी सहमति जताई कि ठीक है, हम केक लेके बच्चे के घर चलेंगे और बर्थडे उनका वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। तो सारी पुलिस टीम जो भी वहाँ अवेलेबल थे, नाम तो मुझे नहीं पता, सारे लोग गए थे और बच्ची का बर्थडे अच्छे से घर पर सेलिब्रेट किया। बच्ची काफ़ी खुश हुई, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा मैसेज गया। तो ये जो आपका ये जो काम है, ये आपके किसी संस्था के थ्रू से चलता होगा सर? हाँ अभिषेक, हम लोग रोटी बैंक से जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया रोटी बैंक संस्था का नाम। अच्छा, है। अच्छा। जी, और ये इंडिया लेवल पे है, कोरबा की जो ब्रांच है अपने पास है और इसे हम मॉनिटर करते हैं। मेरे इसमें जो मित्रगण है सब हम मिलकर सारा काम करते हैं। सर, इसमें आपके इस सेगमेंट में पुराने जो कपड़े होते हैं जी जी, जो कि लोगों के जो फिर जैसे कोई खरीद लिया, उन्हें ज्यादा दिन पहन नहीं पाए, उसे यूज नहीं हो पाया, तो उसे लोग फेंक देते हैं, तो आपकी संस्था के बारे में कुछ ऐसी बातें रिसर्च में आई कि वो मतलब पुराने कपड़ों को जो जरूरतमंद तक लोग हैं जिन्हें उनकी नीड है वो पहुंचाते हैं, वो किस तरीके से काम होता है सर उसके अच्छा? कई बार अभिषेक क्या होता है, हम कपड़े लेते हैं, कई बार होता है कपड़े को हम यूज़ ही नहीं कर पाते, वो कपड़े अलमारी में सड़ते रहते हैं। तो लोगों से हमारा हमेशा निवेदन ये रहता है कि आप हमें पुराने अपने कपड़े दे दीजिए, आपके पुराने कपड़े आपके लिए तो पुराने लेकिन किसी के लिए तो नए बन सकते हैं और नए बनते हैं। तो ये चीज़ें हम उन जरूरतमंद तक पहुँचाते हैं। ये काम पिछले 5 सालों से करते हैं और हर साल ठंड में हम करते हैं, और अभी से हमने स्टॉक इकट्ठा करना चालू कर दिया, लोगों ने अपने कपड़े भेजने में चालू कर दिए हैं। 3-4 जगह हमारी ब्रांच है, उस जगह कपड़े पहुंचते हैं और हर बार ठंड में हम कहीं दूर गांव में जाके इन कपड़ों को बांटते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई श्रद्धालु या फिर जो भी है अपनी अपने कोई पुराने कपड़े या फिर कोई अपनी पुरानी चीज अगर आप तक पहुंचाना चाहता है तो वो कैसे पहुंचा सकता है? देखिए, थोड़े दर्शक जी, मैं SS प्लाजा, मेरी शॉप है कृष्णा शोमल के नाम, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखेगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और मेरी शॉप पे भी छुड़वा सकते हैं। और ये एक बेहद बेहतरीन पहल है एक ऐसे कुछ जरूरतमंदों के लिए जिन्हें हमारे लिए तो वो कपड़े शायद पुराने हो गए लेकिन दूसरों के लिए एक नए कपड़े हो सकते हैं। एक बेहतरीन नई सोच के तौर पे ये संजय रमानी जी और उनकी टीम ने इसे शुरू किया। सर, बालकों के कुछ स्कूलों में भी आप लोग का काम चलता है, कुछ रोटी बैंक सेवा का जो आप लोगों का काम चलता है उसके बारे में सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, स्कूल में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे सर्कल में जो भी है जिनका भी बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उन बच्चों के साथ, उनके साथ हमारी खुशी डबल हो जाती है। केक वगैरह बांटते हैं उनके लिए, जो भी जरूरत वाली चीज़ें हम उनको देते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, बच्चे भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। लोगों से निवेदन है कुछ टाइम बच्चों को भी दें, इस टाइप की सोशल एक्टिविटी में हिस्सा लें। और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि संजय रमानी जी एक समाज सेवक के साथ एक बेहतरीन आविष्कारक भी हैं। इन्होंने अपने कुछ इन्वेंशंस की मदद से जो कि पुरानी टीवी होती है जो कि ज़्यादातर यूज़ नहीं आ पाती जब वो टीवियाँ ख़राब हो जाती हैं, उनको लेकर के कुछ एक नए आविष्कार कर बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर वो क्या इन्वेंशन है उसके बारे में थोड़ा बताइए, काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं मुद्दा आजकल। देखिए, घर में 32 इंच की एक टीवी थी, अचानक से वो चलते चलते बंद हो गई, तो टीवी को लेके मैं रिपेयर शॉप पे पहुंचा तो रिपेयर वाले ने बोला कि ये नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी पूछा तो बोले ये पूरी डेड हो चुकी है।
मतलब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अच्छा ठीक है, तो टीवी को जैसे मैं नीचे आ रहा था, एक किसी जगह कार या किसी कार तो याद नहीं, कार या ट्रक के पीछे लिखा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे बाप रे। तो मैंने इसको पढ़ा, मुझे लगा एक बार कोशिश करनी चाहिए, तो फिर मैंने इसको जैसे ही ओपन किया तो मैंने उसको कॉल किया रिपेयर वाले को कि इसका पैनल अगर आप निकालते तो क्या होगा। उसने बोला इसका पैनल निकालोगे तो आपकी जो एलईडी स्क्रीन है वो बच जाएगी। अच्छा। तो मैंने वैसा किया, उस एलईडी स्क्रीन को रोका, उसके बाद मैंने एक फ्लैक्स लगाया, नॉर्मल सा फ्लैक्स। सारे टीवी में होता है कि कुछ नहीं, एलईडी टीवी पे पॉसिबल है ये। तो मैंने एक शॉप के लिए एक विनाइल बनाया, उस पर लगाया तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स था, काफी अच्छा ब्राइट हो रहा था और काफी अच्छा डिस्प्ले हो रहा था। तो ऐसे करते करते दो चार टीवियां मुझे मिल गई जो और भी लोगों की थी, तो उसको मैंने बनाया और अपनी शॉप पे लगाया, जिसका आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर अगर आप लोग को ऐसा वो टीवी देखनी है तो आज भी वो शायद आपके शॉप पे। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरी शॉप पे लगी है, बिल्कुल देख सकते हैं। एड्रेस बता दीजिए हमारे। हाँ, एसएस प्लाजा मेरी शॉप है, फर्स्ट फ्लोर में, कृष्णा शूमल के नाम पे है, आप कभी भी आके देख सकते हैं। एक बेहतरीन आविष्कार, एक बेहतरीन समाज सेवक के रूप में भी और एक बेहतरीन आविष्कार के रूप में भी, क्योंकि इस वक्त हम जो ग्लोबल वार्मिंग से गुजर रहे हैं, जहाँ पे हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज करना है, ऐसे कोई भी चीजें कम यूज करनी जो कि कूड़ा कचड़ा ज्यादा फैलाए, और इस आविष्कार की मदद से संजय रमानी जी ने कुछ ऐसी खोज कर ली जिससे एक कूड़ा कचड़ा भी कम हो रहा है और एक बेहतरीन चीज का आविष्कार हो रहा है। देखिए, अगर टीवी खराब होती है, एलईडी खराब होती है, उसको आप क्या करेंगे, घर पे किसी डेड स्टॉक वाली जगह पे रखेंगे जी। ये है, और कहीं ना कहीं आपकी जगह ब्रेक होती है। अगर हमने छोटी सी कोशिश के करके इसको सही किया तो और भी चीज़ें ऐसी हैं जो डेड है, जिनको कचरे के भाव फेंका जाता है, अगर थोड़ी सी मेहनत हो, थोड़ी सी कोशिश की जाए तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। मैंने एक छोटी सी पहल की है, आगे भी दो तीन चीज़ों को मैंने ऐसा पकड़ा है जिसको मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर सही रिजल्ट हुआ तो फिर मैं एक बार आपके सामने फिर जरूर आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कोरबा के एक समाज सेवक और एक बेहतरीन आविष्कारक संजय रमानी जी। आपको इनकी बातें सुनकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप में भी ऐसा कोई दमखम है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमें आपके आविष्कार सही लगे तो अगली बार शायद आप भी इस शो का हिस्सा बन सकें। संजय सर, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज देना हो जाते आते जो कि समाज के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण हो, तो वो आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक मैसेज मैं देना चाहूँगा, कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपनी शॉप जा रहा था तो सोनालिया पुल पे एक भैया शायद ड्रिंकिंग किए हुए थे और गाड़ी अनबैलेंस की वजह से नीचे गिर गए थे। तो ठीक है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने ये देखा कि भैया नीचे गिरे हुए हैं, लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं। लोगों का काम किया था मैंने, कुछ लोगों को देखा सिर्फ फोटो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो मुझे और कुछ तो समझ नहीं आया। मैंने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसको मैंने ऑटो में बैठा के हम लोग ACCL हॉस्पिटल ले गए जी। तो वहाँ पे जैसे ही भैया को लेटाया, भैया थोड़े से कंडीशन ठीक लगी तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने एक क्वेश्चन किया जो सुन के थोड़ा अजीब लगा मुझे भी, शायद आपको भी अजीब लगे। उन्होंने ये बोला, क्यों भैया आप मुझे यहाँ क्यों ले आए, आप फोटो वीडियो नहीं खींचेंगे? मैंने कहा भैया ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? बोले वहाँ पे तो सब यही काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर इस टाइप की कोई कंडीशन होती है तो प्लीज़ ऐसा ना करें। देखिए, घर वाले कहीं भी रहें, हमारे हम चाहते हैं सुरक्षित, तो वो भी किसी के घर वाले ही रहे होंगे। हमने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, अच्छा मैसेज गया, लोगों के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टाइप की चीज़ें ना करें, उसको सही जगह पे पहुंचाएं, उसके बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। बेहद महत्वपूर्ण अपील संजय रमानी जी के साथ, और हम आशा करते हैं कि संजय रमानी जी की बात को हमारे सारे दर्शक जो भी हैं बड़े गंभीरतापूर्वक लेंगे। आप देखते रहिए अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़। मैं हूँ अभिषेक सिंह, आपसे लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ एक नई पहचान के साथ, एक नई मेहमान के साथ अगले ही शुक्रवार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।